जय गो माता, जय गोपाल। गो राष्ट्र यात्रा की इस कड़ी में आपका स्वागत है। हम दोनों भाई रोहित भाई के साथ में सांचोरी गाय के इस हर्ड के अंदर है। सांचोरी गाय तो सांचोर रीजन की गाय है और यह सेंटर जो कोडम देसर में है, कोडम देसर बीकानेर से आप जब फलोदी की तरफ जाते हो तो रास्ते में आता है। आप जब भी कोडम देसर आओ तो जरूर जरूर दर्शन करेंगे गौ माताओं का। सांचोरी गाय सांचोर क्षेत्र की गाय है। अगर सांचोरी को याद करता हूँ तो मुझे सबसे पहले पथमेड़ा गौशाला को याद करना ही करना पड़ेगा। इस गाय की ताकत तो बाकी चीज़ें देखो तो ये बच्चा है, तो ये बच्चे को जन्म देने के लिए इस गाय को किसी आदमी की या किसी की पास में जरूरत नहीं पड़ी। चढ़ते हुए बाहर घूमते हुए ये घुमाते अपने बच्चों को जन्म देती है। और सांचोरी गाय के बारे में एक मिथ्या है कि ये गाय भैया दूध कम देती है, पर ये मिथ्या को दूर किया आप देख सकते हो। इस केंद्र पे कई गाय ऐसी है जो 28 लीटर तक दूध दे पाई है। तो वास्तव में इस गाय के अंदर क्षमता है। जैसे आप उस गाय को दिखाओगे तो अलग से कैरेक्टर आप देख सकते हो। सांचोरी वैसे क्या हुआ कि जो गुजरात का कच्छ भुज का क्षेत्र है भैया, और जो दोस्तों आप देखेंगे तो जो थारपारकर का बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र है, उन दोनों के बीच का क्षेत्र है। तो दोनों जगह की जो कांकरे और ये जो थारपारकर दोनों गाय मिक्स हो गई, और उन दोनों के कारण जो मिश्रण से जो पैदा हुई सांचोरी गाय थी। पर सांचोरी को कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है। वैसे कहे तो पूरे देश में 125-126 नस्लें थी, उनमें से कुछ तो विलुप्त हो चुकी है, और बची हुई जो रजिस्टर्ड नस्लों में उसमें इनको जगह मिली नहीं है कि 40 के आसपास रजिस्टर्ड नस्लें हैं। इस नस्ल को ऑटोमेटिक हुआ होगा ये कि मतलब यहाँ के वहाँ के जो पुराने किसान रहे होंगे उन्होंने ये मिश्रण किया होगा। नहीं, एक्चुअली जब चढ़ने के लिए जाती थी हमारे यहाँ बेटी ब्याह होता था, क्लाइमेटिक एक तरीके से क्लाइमेटिक भी था। दूसरा, जब बच्ची की शादी इधर से उधर होती थी तो नंदी यहाँ से या गाय उधर से इधर आती थी, तो उन चीजों में और पहले हुई भी है। पर ये गाय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गाय और बहुत अच्छी क्षमता रखने वाली गाय है। तो इस केंद्र के अंदर जो बहुत शुरू किया गया था, तो पथमेड़ा गौशाला से लगभग 200 बछड़ियाँ यहाँ पे 2011 के अंदर लाए थे। उन बछड़ियों के अंदर, गौशाला से लाई हुई बछड़ियों के अंदर यहाँ पे कार्य हुआ, अच्छे नंदी और संवर्धन के माध्यम से कार्य हुआ। जब इन्होंने प्रयास किया था दोस्तों, आप देखोगे उस समय सांचोरी का नंदी ढूंढने के लिए भी इनको समस्या हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन सांचोरी में हो चुकी थी। पर जो देवासी समाज है वहाँ का, उन्होंने इस गाय को अच्छा तैयार किया, इस गाय पर बहुत अच्छा काम किया। तो इसका चेहरा भी देखो तो थारपारकर में उभरा हुआ होता है, इसका थोड़ा दबा हुआ होता है, तो इसका आप देख सकते हो सींग का साइज भी थोड़ा छोटा है। इसका सींग का साइज भी भैया थोड़ा छोटा होता है। तो ये गाय भी बहुत अच्छी दूध देने वाली क्षमता रखती है कुछ गाय। तो संवर्धन के माध्यम से जैसे यहाँ तैयार किया जाए ना, बहुत जरूरी है। ये जस्ट अब कल गई, कितनी मजबूत गाय है देखो, कितना प्यार अपने बच्चे से, जो प्यार होता है एक माँ का, तो ये प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। पथमेड़ा गौशाला में आप देखोगे ना तो सभी गौमाताएं मतलब अद्भुत होती है दोस्तों, बहुत ही अद्भुत होती है, बहुत ही शानदार है। ये प्रेम प्रेम देखिए आप इस गाय का, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी। तो इस यहाँ पे एक्चुअली जो सांचोर क्षेत्र है ना, वहाँ पे तो खुले में चराने के लिए 100-200 घर देते हैं, और यहाँ पे भी खुले में चढ़ने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। और इस केंद्र का धन्यवाद है कि इन्होंने इस नस्ल पे काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि जब श्वेत क्रांति का टाइम था ना, उस समय भैया क्या था कि सरकारी संस्थाओं में भी HFDOC क्रॉस ब्रीड दूध बढ़ाओ दूध बढ़ाओ दूध बढ़ाओ दबाव था उस समय, उसमें आ गए थे। पर यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये कार्य हुआ है इस नस्ल के ऊपर, और इस देशी नस्ल को जिसपे कोई सोचने वाला नहीं था उस पर काम करना प्रारंभ किया। डॉक्टर AK गहलोत साहब उसमें VC थे, तो उनके सानिध्य में ये कार्य शानदार फार्म देश के उसके अंदर, जो कि बीकानेर से थोड़ा सा दूर ये कोडम देश के अंदर है, और जो शेड और जो बाकी चीज़ें बनाई गई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शेड बनाने का सिस्टम आप देख सकते हैं। ये बीच का जो वॉकिंग पाथ है जहाँ से चारे की गाड़ी या बाकी चीज़ें चली जाती है, दोनों तरफ गौमाताएँ रहती है। और इस केंद्र में दो नस्ल पर काम हो रहा है, एक तो आप कह सकते हैं कि कांकरे, जो दूसरी साहिवाल। और जो ये कांकरे जी हमारे राजस्थान के सांचोर रीजन की है, तो थोड़ा सा कांकरे जो थारपारकर दोनों गायों का मिश्रण इसमें होता है, तो सींग थोड़े अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। आप बिल्कुल स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही शानदार संवर्धन केंद्र के अंदर। यहाँ से सीधी चारे की गाड़ी आ जाती है, तो एक बहुत बड़ा खर्चा होता है जब चारा डालने का और बाकी सारी चीज़ों का, तो उसका बहुत कम खर्च के लिए पैटर्न बहुत अच्छा काम आ रहा है। आप अगर शेड बना रहे हैं तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं।